गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया? चलिए, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग? प्लीज बातें बंद रखिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद करने में भी समझने में भी हर जगह से ये टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देखिए दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा हमेशा। एक होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और एक होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है जी, एक होता फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो फॉर्मुलेशन है ना, ये पहले होता है, टेस्टिंग बाद में आता है। जो फॉर्मुलेशन के लिए है ना, इसके लिए नॉट अ प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, समझ रहे हो ना? जो फॉर्मुलेशन है मतलब हाइपोथेसिस आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कहीं से भी किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप हाइपोथेसिस को बना सकते हो। इज इट क्लियर? पहली बात समझ आई कि जब मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगा ना, तो बनाते टाइम उसको बनाने का कोई प्रोसीजर नहीं है कि अगर आप बोलो कि भाई बनाने के लिए ये एक सेट प्रोसीजर है, इसी को फॉलो करना पड़ेगा। नो, बनाने का ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। बट जब मैं बात करूंगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की, समझ रहे हो? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर होता है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना दोनों चीजों में। जब आप हाइपोथेसिस बना रहे हो तब उसके लिए कोई प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब उसे टेस्ट करना है, जब उसे टेस्ट है उसके लिए उसको एक सिस्टम के थ्रू टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टम के थ्रू उसे टेस्ट करना पड़ेगा। वॉइस स्टक हो रही है क्या? एक सेकंड रुको। अब क्लियर हो गई थी? ठीक है जी, तो हाइपोथेसिस क्या है? सिंपल तरीके से समझ लीजिए, जब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की, ये आपकी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको प्रूव करना या डिसअप्रूव करना, जो प्रूव या डिसअप्रूव हो सकती है। और आपकी पूरी रिसर्च
आपकी पूरी रिसर्च बेस होती है इसी पे। मतलब आपकी पूरी रिसर्च का बेस क्या होगा, आपका हाइपोथेसिस होता है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इस चीज को समझ पाओगे। एग्जांपल क्या है, जैसे एक क्लास है, दिस इज अ क्लास, और इसको कोई कोई कोचिंग नहीं दी जा रही, समझ रहे हो ना, मतलब इनको कोई गाइडिंग नहीं, गाइडेंस नहीं मिल रही, और इनकी एक परफॉर्मेंस है, ठीक है जी। मतलब एक क्लास है, उसको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा, वो अपने आप ही पढ़ रहे हैं और उसके बाद वो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन में वही क्लास है, और उनको कोचिंग दी जा रही है, और अब उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। आपको लगता है कि अब उनकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क आएगा? यस। लेकिन जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, हम हमेशा नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल का मतलब हम कभी डिफरेंस नहीं लेते, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में डिफरेंस मान लेंगे ना, तो उससे हमारी जो रिसर्च है वो बायस्ड हो जाती है। तो हम हमेशा एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब एक ऐसा हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, ताकि हमारी रिसर्च है वो अनबायस्ड रहे। क्या रहे? अनबायस्ड रहे। तो यहां पर जो मेरा हाइपोथेसिस बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, अगर मैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको समझाऊं कि जो मेरा हाइपोथेसिस बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, माई हाइपोथेसिस विल बी लाइक देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ क्लास बिफोर एंड आफ्टर गाइडेंस। समझ आया? ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हाइपोथेसिस बन जाएगा। मतलब आप समझ लो कि बिफोर परफॉर्मेंस इज इक्वल टू आफ्टर परफॉर्मेंस, आपका हाइपोथेसिस ये कह रहा है, ठीक है बच्चे, कि परफॉर्मेंस जो पहली थी ना अब भी वही होगी। पहली बात तो ये। अब ये क्यों किया है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही मान लेंगे ना कि डिफरेंस होगा ही होगा, इसका मतलब हमने अपनी रिसर्च को पहले ही प्रूव कर दिया, जबकि वो उसको प्रूव करने के लिए तो हमें रिसर्च के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा ना, हमने तो पहले प्रूव कर दिया कि ऐसा होगा। तो नो डिफरेंस लेने का, बराबर करने का मतलब है कि जो हमारी रिसर्च रहे वो अनबायस्ड रिसर्च रहे, अनबायस्ड रिसर्च रहे। और जो नल हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, ये वाला जो नल हाइपोथेसिस बना है, रिसर्चर इसको हमेशा क्या करेगा, डिसअप्रूव करेगा। याद रखिएगा, रिसर्चर इसको डिसअप्रूव करने के लिए काम करेगा। अरे भाई, जब गाइडेंस दी है तो फर्क तो पड़ेगा ना, तो इसी चीज को हम डिसअप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जो रिसर्चर का जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको हमेशा हम डिसअप्रूव करने के लिए काम करते हैं। वी विल डू कि हाँ, इसको किसी भी तरीके से हम क्या कर सकें, डिसअप्रूव कर सके, रिजेक्ट कर सके, डिसअप्रूव कर सके या फिर रिजेक्ट कर सके, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, परसों और चौथे 27 और 28 की आपकी छुट्टी रहेगी, वैसे मैंने आपको बता दिया था, 27 और 28 अप्रैल आपकी छुट्टी रहेगी, और सैटरडे लगेगा आपका। हम यूपी घूमने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश। जी, मेरठ में, मेरठ,
है कोई आप में से मेरिट से? कोशिश करेंगे, मैं बता दूंगा आप लोगों को, मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स है ना वहां पे, तो एक छोटा सा मीटअप रख लेंगे, इत्तू सा, एक कैजुअल सा मीटअप। ज्यादा ही सिविलाइज्ड सिटी है, पहले तो मैं डर गया था। एक्चुअली मेरे स्टूडेंट की शादी है एक, तो उसने इनवाइट किया, तो मैंने सोचा बहाने से अपन यूपी भी हो आते हैं ना, घूम आएंगे मेरठ, देख लेंगे कैसे कैसे लोग हैं वहां पे। नहीं, उसने होटल बुक करवाया, फ्लाइट मेरी अपनी है। नहीं, अरे मैंने तो बोला था, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस होटल में शादी है ना, तो उन्होंने पूरा होटल बुक कर रखा है, समझ रहे हो ना, मतलब उस पूरे होटल को उन्होंने बुक कर रखा है, तो उस वजह से रूम में कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं थी। अरे मैं तो मजाक में बोलता था आपको ये सारी चीजें, मैं इस चीज को लेके ज्यादा वो नहीं करता, अगर कोई बुलाता है तो मैं चले जाता हूँ। चलिए, हाइपोथेसिस देखेंगे, मिलते हैं 5-7 लोगों को तो मिलेंगे ही। फीचर्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के फीचर्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये एक टेंटेटिव प्रोपोजिशन होती है। टेंटेटिव प्रोपोजिशन का मतलब ये एक हाइपोथेटिकल होती है, जिसकी जिसको अप्रूव और डिसअप्रूव करना अभी पेंडिंग होता है, ठीक है जी, जिसकी अप्रूवल और डिसअप्रूवल अभी पेंडिंग होती है। द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस अननोन, अननोन रहती है। द मोस्ट केसेस स्पेसिफिक लॉजिक। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ना बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, क्योंकि इस बार का जो पेपर आया ना, उसमें जितनी बार भी हाइपोथेसिस मैच द कॉलम में आया है, उसमें ये लाइन लिखी हुई आई है। अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे ना, तो आप लोगों ने इस चीज को नोट किया होगा, क्योंकि मैंने वो सारे PYQ नोट सॉल्व किए हैं, तो उसमें ये चीज कितने सारे क्वेश्चंस में लिखी हुई है एज इट एज, कि वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने का काम कौन करता है? कौन करता है? हाइपोथेसिस के द्वारा किया जाता है। इट मस्ट बी जनरलाइज। अब देखो, अगर हाइपोथेसिस को आप जनरलाइज ही नहीं कर पाए, है ना, अगर आप हाइपोथेसिस को जनरलाइज ही नहीं कर पाए, तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। और देन आता है, इट शुड बी सिंपल। हाइपोथेसिस अब वो आपका क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अब हाइपोथेसिस बनाने से फायदा क्या होगा? वट इज द, यू नो, वट इज द बेस फॉर मेकिंग द हाइपोथेसिस, बनाने का फायदा क्या है? इससे आपकी रिसर्च पे फोकस, क्लैरिटी और स्पेसिफिटी आती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग सैंपल डिजाइन, सैंपल डिजाइन बनाने में हेल्प करता है, रिसर्च को मोर ऑब्जेक्टिव बना देता है, और फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी में फैसिलिटेट करता है। मतलब समझ रहे हो ना, आपका पूरी की पूरी रिसर्च का बेस यही होता है ना। पहले तो जैसे मुझे पता चला ना कि मैं मेरठ जा रहा हूं, तो मेरे को ना बस वो जो अनुभव वसी की वीडियो थी ना, एक सबसे पहले आई थी, मेरे दिमाग में वही आया। हम बोलते हैं ना कि बहुत सिविलाइज्ड सिटी है, यहाँ पर आदमी जाता है, बाद में उसकी खबर आती है, तो पहले तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक सी जगह है, यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर मैंने घर में बोला, है ना, मम्मी पापा को, कि मम्मी ऐसा है कि मेरे स्टूडेंट की एक शादी है, और उसने मुझे इनवाइट किया है। तो पापा बोले, तो क्या हुआ, जाओ। मैंने कहा मेरठ जा रहा हूँ। बोले, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो सब बनी बनाई हुई बातें होती है। मैंने कहा वो तो मुझे भी मालूम है, मैं तो वैसे ही मजे ले रहा था। नहीं, ऐसे तो मतलब यूपी बहुत बड़ा है ना, वैसे मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा है, तो मेरिट देखेंगे, बिल्कुल कोशिश करूंगा, ब्लॉग भी बनाऊं छोटा सा। सेकंड पॉइंट है बेटा, कि अब हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसके बारे में आप कुछ पता नहीं है ना, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। मैंने सुना है, अब
देखते हैं। एक बात याद रखिएगा हमेशा, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और जितनी भी एनालिटिक रिसर्च है, मतलब वो डेटा, वो रिसर्च जो डेटा बेस्ड है, क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड होती है, उसमें हमेशा हाइपोथेसिस बनता है, याद रखिएगा। मतलब हाइपोथेसिस हर तरीके की रिसर्च में नहीं बनता, पहली बात। और ऐसा भी नहीं है कि बिना हाइपोथेसिस के आप रिसर्च नहीं कर सकते। पॉइंट सुनिए, हाइपोथीसिस आप एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्ट फैक्टो और एनालिटिक रिसर्च, मतलब जो भी रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड होती है उसमें रिसर्च हाइपोथीसिस बनता है। तो ये जरूरी भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, मतलब जैसे अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करोगे तो वहां पे आपको हाइपोथीसिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में, एनालिटिकल रिसर्च, इन रिसर्च में हाइपोथीसिस का बनाना जरूरी। डिडक्टिव बोल सकते हो आप जिसको, क्वांटिटेटिव बोल सकते हो आप, ये कुछ इस तरीके की रिसर्चेज हैं जहां पर हाइपोथेसिस को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये रिसर्च ही नहीं होगी अगर इस हाइपोथेसिस को डेवलप नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब देखो फंक्शंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इससे फोकस क्लैरिटी आता है, सैंपल डिजाइन बनाने में आपको हेल्प करता है, स्टडी को और ऑब्जेक्टिव बनाता है, और फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी में हेल्प करता है। ये मैं एंड में लेता हूं बेटा, आपके डाउट ना मैं एंड में लेता हूं, अभी पहले इस टॉपिक को खत्म कर लें। देखो आप समझ क्यों नहीं रहे हो यार, इस यहां पर मैंने इस चीज को पढ़ाया, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने यहां पे पहले ही दे दिया कि हम रिसर्च नल हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव क्यों कर रहे हैं। पहले तो एक बात समझ लो कि नल हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस बनाने का मतलब हम अनबायस रहना चाहते हैं, अनबायस रहना चाहते हैं। जैसे आप ऐसा समझ लो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच है, अब हमें पता है कि क्रिकेट में दोनों में से एक टीम है वो तगड़ी होगी, है ना। हमें पता है कि चलो इस टाइम पे आप मान लेते हैं कि चलो इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया से तगड़ी है और इनका एक मैच होने वाला है, तो आप पता है क्या मानोगे कि इन दोनों टीमों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले ही इंडिया को स्ट्रांग बोल दिया या ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रांग बोल दिया तो फिर आपकी रिसर्च ही क्या रह गई भाई, आपने तो डिसीजन ही पहले दे दिया। अगर पहले ही डिफरेंस ही आपने पहले मान लिया तो रिसर्च करने का क्या मतलब रह गया। तो हम अजम्पशन क्या मानते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है, इस वजह से हम जीरो डिफरेंस लेते हैं। क्या करते हैं, हम जीरो डिफरेंस लेते हैं, ठीक है जी, इस वजह से। सोर्सेज, अब हाइपोथेसिस कहां कहां से बन सकता है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब जैसे कहां से आपको हिंट मिल सकते हैं हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। जैसे देखो एक थ्योरी हो सकती है, कोई थ्योरी आपको गाइड कर सकती है, आप हाइपोथेसिस बनाओ। ऑब्जर्वेशन है आपकी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जो रिसर्च आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है उस रिसर्च को कौन सी रिसर्च बोला जाता है, इंपीरिकल रिसर्च। उसको क्या नाम बोलते हैं, उसको हम इंपीरिकल रिसर्च बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन से बन जाती है, इंपीरिकल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ऑब्जर्वेशन का। एनालॉगीज, एनालॉगी का मतलब क्या होता है कि आप दो चीजों को कंपेयर करते हो। देन आता है इंट्यूशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कुछ कई बार आपको हाइपोथेसिस मिल जाते हैं। फाइंडिंग्स एंड स्टडी और कल्चर, ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जहां से आप अपना एक हाइपोथेसिस है वो बना सकते हो। अब देखो ये वाला पॉइंट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ना आपको चार पांच स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। यहां से आप लोगों को चार पांच स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है जब आप यहां से देखते हो। अच्छा, अभी ना मई महीने से जो हम स्पेशल क्लासेस हैं उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम यूनिट वाइज क्लासेस चलाएंगे, ठीक है, ताकि सब बच्चों का फायदा हो। तो हम टीचिंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद रिसर्च करेंगे, इस तरीके से करेंगे ताकि जो बच्चे अभी जैसे हायर एजुकेशन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बीच में हायर एजुकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो मैंने सोचा है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं तो पीडीएफ में सारी ही दे दूंगा आपको,
आज मैं कोशिश करूंगा डीए की शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग पीडीएफ से भी अपना रिवाइज करते रहो और क्लास में हम एक ही यूनिट पे पूरा फोकस कर लें। ठीक है जी। देखो ये इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, दूसरा स्पेसिफिटी स्पेसिफिसिटी एक स्पेसिफिक होना चाहिए। सर नहीं अभी बेटा फॉर्म आए नहीं है, आ जाएंगे तो बता देंगे। टेस्टेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट। कंसिस्टेंसी, इसके अंदर कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आता है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सिंप्लिसिटी। समझ रहे ना, ये तो बेसिक फंडा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, यहां पर लिखी हुई है, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। अब हाइपोथेसिस कैसे हो सकते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग आप लोगों को पता है, इस बार टाइप्स मीनिंग टाइप से भी पूछा गया था कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि दो चीजों के बीच में डिस्क्रिप्शन कर दिया, मतलब समझ रहे हो ना, आपने उनको डिस्क्राइब कर दिया। अब वो है एग्जिस्ट करते हैं या नहीं वो अलग बात है, आपने उनको डिस्क्राइब कर दिया। रिलेशनल, जब आप दो चीजों के बारे में रिलेशन की बात करते हो, जिसमें एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, ये अगली स्लाइड पे पढ़ाता हूं मैं। उसके बाद आता है कॉजल। कॉजल तो समझ रहे हो ना, जो एक्सपेरिमेंटल में बनता है। आप कॉज, आपके पास एक कॉज है या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका एक इफेक्ट है। जब आप कॉज और इफेक्ट की बात करते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हो, तो वो आपका कौन सी टाइप में आ जाता है, वो कॉजल रिसर्च का पार्ट बन जाता है, कॉजल रिसर्च का पार्ट बन जाता है। देन आता है कॉमन सेंस, कुछ भी नहीं, नॉर्मल आपका जो कॉमन सेंस के आइडिया से आ जाता है कई बार। एनालिटिकल, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा पहले क्या होता है, डिटेल्स होती हैं, समझ रहे हो ना, स्टैटिस्टिक्स, जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है। नल हाइपोथेसिस मैंने आपको बता दिया, जिसमें हम हमेशा जीरो मान के चलते हैं। हम क्या मान के चलते हैं, हम हमेशा वैल्यू को जीरो मान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, हमेशा ये जीरो ही रहेगा। देन आता फॉल्स हाइपोथेसिस, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते और बैरन होता है, मतलब हाइपोथेसिस विच बाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब जिस जो हमेशा मतलब प्रूव नहीं होगा और बैरन होता है, जिसकी कोई सेंस ही नहीं होती, समझ रहे हो ना, सेंस ही नहीं होती, समझ रहे हो ना। जैसे बोल दिया जाए कि हाँ भाई बेटा बीमार हो गया क्योंकि आंटी आ गई थी और नजर लगा गई, अब उस चीज को प्रूव कैसे करोगे, उसको प्रूव कैसे करोगे। तानिया बेटा, कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपको सर्च में बार में लिखना है सिर्फ कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, सर्च बार में लिखिए बस, मिल जाएगा चैनल का नाम। बैरन, बैरन समझ रहे हो ना कि बोलते हैं कि हाँ ये बीमार कैसे हो गया, वो आंटी घूर घूर के देख रही थी, है ना, आंटी घूर घूर के देख रही थी इस वजह से ये। हम हमारे सोसाइटी में ऐसी चीजें अक्सर चलती है ना, नजर लग जाना, किसी में भूत प्रेत आ जाना। बैरन का मतलब बंजर ही तो होता है वैसे, कि हाँ भूत प्रेत आ जाना, समझ रहे हो ना, इस तरीके की। अब उसके बाद फिर को कुछ लोग मिर्ची से उतारते हैं, कुछ लोग नमक से उतारते हैं, हमारे यहां पर चाय पत्ती से भी उतार देते हैं, कुछ चप्पल से उतार देते हैं, है ना। तो इस तरीके से इंपीरिकल हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस व्हेन अ थ्योरी इज बीइंग पुट ऑन टेस्ट, मतलब जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हो। स्टैटिस्टिकल, जहां पर पॉपुलेशन की बात आ रही है, और लॉजिकल, जहां पर आप लॉजिक, मतलब समझ रहे हो ना, इनके कीवर्ड से इसका मीनिंग है वो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आता है ये वाला। एक होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एक होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, समझ रहे हो ना। एक होता है बेटा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एक होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसको आप डायरेक्शनल को वन टेल्ड बोल देते हो, जिसकी एक पूंछ होगी, क्या बोला जा रहा है इसको, इसको वन टेल्ड बोल दिया जाता है, और नॉन डायरेक्शनल को टू टेल्ड बोल दिया जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे एक कुत्ता है, सपोज करो एक कुत्ता है, उसकी एक ही पूंछ है, तो हमें पता है ना कि उसकी पूंछ किस तरफ है। अगर एक साइड पे है तो हम बोलेंगे कि राइट साइड की तरफ है उसकी पूंछ, अगर वो घूम गया आपको देख के लेफ्ट साइड की चला गया तो हम बोलेंगे कि उसकी पूंछ है वो लेफ्ट साइड पे है। मतलब एक पूंछ है तो एक ही डायरेक्शन में होगी ना। तो जब आपको पता है डायरेक्शन के बारे में, और सपोज करो उसी कुत्ते की दो पूंछे हो,
इस साइड भी पूंछ हो उस साइड भी, मतलब ऐसे तो नहीं होती है बट चलो इमेजिन कर लो कि दो पूंछे हैं, तो आप क्या बता सकते हो कि उसकी लेफ्ट साइड पे पूंछ है या राइट साइड पे पूंछ है? अब बोलोगे सर दोनों साइड पे पूंछ है, पूंछ मतलब टेल, टेल है ना। तो जब हम वन डायरेक्शनल की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रेडिक्शन डिफरेंस पार्टिसिपेटिंग गिवन पिक्चर विल रिमेंबर सिग्निफिकेंट मोर डिफरेंस, मतलब जब आप एक साइड के बारे में बोल देते हो, अगर आपने बोल दिया कि गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज, जब आपने ऐसा बोल दिया तो ये वन डायरेक्शनल हो गया, क्योंकि आपने डायरेक्शन बता दी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, आपने एक साइड बता दिया। या फिर आप ऐसा बोल दोगे कि जो बॉयज हैं वो गर्ल से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब आप एक साइड की बात कर रहे हो। क्लियर हो रहा है ना कि गर्ल्स को ज्यादा इंटेलिजेंट बोला जा रहा है या बॉयज को? बट अगर मैं ऐसा बोल दूं कि गर्ल्स आर इक्वली इंटेलिजेंट एज बॉयज, तो क्या आप यहां पर इसकी टेल के बारे में बता सकते हो कि राइट साइड की तरफ झुक रहा है या लेफ्ट साइड की तरफ झुक रहा है? नहीं बता सकते ना, तो आप कंफर्म नहीं हो पाते हो कि यहां पर आप कौन सी साइड पे बात करोगे। तो इसका मतलब डोंट नो द डायरेक्शन, जब आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, ये टू टेल हो गया। समझ रहे हो ना कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? आजकल वैसे कुछ पता नहीं चलता है ना, स्टीरियोटाइप तो वैसे खत्म ही हो गया है। कुछ कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और कुछ कुछ लड़के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब लड़कियां तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, लड़के थोड़े से कम होते हैं। मैंने सीरियसली बोला है, इसको सार्केस्टिक वे में मत ले लेना, क्योंकि हमारी क्लास में ना ऐसे कुछ कुछ मैं यूट्यूब की वीडियो के नीचे कॉमेंट देखता हूँ, फेमिनिज्म वाले होते हैं ना जो पढ़ाई लिखाई के अलावा और बारे सारी चीजों में आ जाते हो, तो सर तुम तो लड़कियों पे कमेंट करते हो, लड़कियों पे जोक मारते हो। अब मैंने अगर ऐसा भी बोल दिया ना कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, तो इसको भी वो गलत वे में लेंगे कि सर नहीं आपने सार्केस्टिक वे में कहा, तो भाई मैं कहूं कैसे? अगर मैं ये बोल दूं कि लड़कियां कम इंटेलिजेंट होती हैं, तब इनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने लड़कियों को कम इंटेलिजेंट कैसे बोला। और जब मैं ये बोल दूं कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, तब ये मानने को तैयार नहीं, तब बोलेंगे नहीं नहीं सर आपने सार्केस्टिक वे में कहा, आपने जानबूझ के मजाक में बोला। तो भाई मैं कहूं क्या, समझा दो मुझे, मैं किस तरीके से प्रूव करूं? नहीं देखो, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि अगर बुकिश नॉलेज के लिए आप देखोगे तो उसमें गर्ल्स हैं वो बॉय से बहुत ज्यादा होती हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकल चीजों में जाओगे तो उसमें बॉयज की नॉलेज है वो गर्ल्स से ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें इसको आप भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, दिस इज ट्रू, क्योंकि डोमेन ही वैसा है। समझ रहे हो ना, जो जो डोमेन है, जो वर्किंग है, जो जो नेचर की तरफ से चीजें मिली गई हैं, उसके हिसाब से अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाते हो तो उसमें बॉयज हैं वो थोड़े ज्यादा आगे रहते हैं लड़कियों से। बट अगर लड़कियों की बात करें तो उनको चीजों को याद करना या फिर और बुकिश लैंग्वेज उस तरीके से। अब ये था वो हाइपोथेसिस आपका, अब हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। देखो दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, अब इस चीज को ध्यान से समझना। पहले तो आप ना कॉपी पे वर्ड नोट करो, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है ना, इसके दो और नाम है, एक होगा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और एक होता है सबस्टेंटिव हाइपोथेसिस और एक होता है रिसर्चर्स हाइपोथेसिस और एक होता है रिसर्चर्स हाइपोथेसिस। याद रखिएगा, ये दिमाग में बिठा लो, इसके नाम है। ठीक है, कल को अगर लिखा हुआ आ जाए ना स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्लियर है? चलो ओके,
ठीक है जी, पहले ये बात समझ में आ गई। पहले तो सिर्फ नाम को बेस बना के ही 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो नाम को अच्छे से याद रखना है कि रिसर्चर का हाइपोथेसिस कौन सा होता है और नल हाइपोथेसिस कौन सा होता है। अच्छा, हम कौन सा हाइपोथेसिस पहले बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस? हम हमेशा पहले नल हाइपोथेसिस को ही बनाते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस को ही बनाते हैं, उसके बाद जो बाकी के हाइपोथेसिस आते हैं उसको बनाया जाता है। जब हम डिफरेंस को क्या करते हैं, जीरो मानते हैं। क्या करते हैं, जब हम डिफरेंस को जीरो मानते हैं। अब देखो, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ? अ नल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट इन विच देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब आप वेरिएबल्स को बराबर मान लेते हो और बोलते हो कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। और एन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट इन विच देयर इज सम स्टैटिस्टिकल डिफरेंस, जहां पर आप डिफरेंस मानते हो। इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं। इसमें आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, इस वजह से आपको डिफरेंस नजर आता है। इट इज व्हाट द रिसर्चर ट्राई टू डिसअप्रूव। बताया था ना, नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा, डिसअप्रूव करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा बेटा, डिसअप्रूव करने की कोशिश करेगा, रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। और यहां पर रिसर्चर ट्राई टू प्रूव, यहां पर रिसर्चर उसको प्रूव करने की कोशिश करेगा। नो चेंज इन ओपिनियन एंड एक्शन, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है तो ओपिनियन में कोई चेंज कुछ नहीं आएगा। और यहां पर चेंज इन ओपिनियन एंड एक्शन, और ये इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट होता है क्योंकि इसमें कोई फर्क ही नहीं है। कुछ मतलब बराबर मान लिया तो आप इनडायरेक्ट तरीके से मान रहे हो, ये डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट होता है क्योंकि हमारा मेन फोकस इसको प्रूव करने पे होता है। रिजल्ट बाय चांस, अगर नल हाइपोथेसिस में कुछ डिफरेंस देखने को मिले, ओपिनियन का मतलब समझ रहे हो ना, ओपिनियन का मतलब हो गया एक तरीके से आप ये मान के चलो कि मतलब मैंने दोनों चीजों को बराबर माना तो मेरे ओपिनियन में कोई फर्क ही नहीं आया। मैंने माना जैसी इंडिया है वैसी ऑस्ट्रेलिया है ना। एक्सप्लिसिट एकदम से डायरेक्ट, जिसको आप डायरेक्ट स्टडी कर सकते हो, क्योंकि नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो गया तो अपने आप अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा। ये बाय चांस हो सकता है इसमें कोई डिफरेंस हो, इसमें रियल इफेक्ट होता है। यहां पर इसको एच जीरो से और इसको एच वन से डिनोट किया जाता है। इसमें इक्वल का साइन यूज होता है, इसमें अनइक्वल का साइन यूज होता है, ये बात। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ओनली वन हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। याद रखिएगा हमेशा, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो अल्टरनेटिव अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस अपने आप रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेटिव अपने आप क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आप एक ही हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हो बेटा, एक्सेप्ट कर सकते हो। आप दोनों में से किसी एक ही हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट करते हो। आप दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक टाइम पे दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अरे बेटा पहले एग्जांपल ली तो देखो, यहां पर मैंने इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ली थी ना, ये था, ये देखो, ये स्टार्टिंग में ये एग्जांपल ही तो थी। बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर क्या फर्क होगा, इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट हो जाएगा जो। पैरामीटर ऑफ गुड हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जब आपने बना लिया तो आप उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, समझ रहे हो ना, आप उसके अलग अलग एस्पेक्ट को चेक करने की कोशिश करोगे कि इसमें ये किया जा सकता है, इसमें ये किया जा सकता है। लॉजिकल होना चाहिए और उसकी जो लैंग्वेज है एकदम से प्रिसाइज होनी चाहिए। बेटे ये टॉपिक मैंने स्पेशल क्लास में करवा रखे हैं, तो आप स्पेशल क्लास से जाके पढ़ सकते हो। और मेक श्योर योर हाइपोथेसिस इज टेस्टेबल विद रिसर्च एंड। अब एक आप हाइपोथेसिस ऐसे बना लिए, जैसे हमने रिसर्च प्रॉब्लम में एक चीज पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो सोशली रेलेवेंट होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, एक बात तो कंफर्म है। पहली बात क्या बोला था कि उसका सोशली रेलेवेंट होना जरूरी है, और एक चीज और थी कि वो प्रैक्टिकल और जनरलाइज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और उसको हम जनरलाइज कर सके। यही पढ़ा था कि हम उसको जनरलाइज कर सके। वही चीज आती है आपकी हाइपोथेसिस से रिलेटेड,
हाइपोथेसिस के बारे में बोला गया कि हाइपोथेसिस ऐसा ही होना चाहिए जिसको आप मेथड से टेस्ट कर पाओ, रिलायबल हो, वैलिड हो, प्रैक्टिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, प्रैक्टिकल हो और ऑब्जेक्टिव हो। जब ये सारी चीजें हैं तभी आप उसको एक वैलिड हाइपोथेसिस बोल सकते हो कि हाँ इसको अब हम अप्रूव कर सकते, इसको हम इस पे स्टडी कर सकते हैं। अब हाइपोथेसिस को फॉर्म करोगे, हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑन वैलिडिटी विच आर टेस्टेड, मतलब उसकी वैलिडिटी को अभी टेस्ट करना है। वैलिड अजम्पशंस दे आर प्रिजम्प्टिव स्टेटमेंट। फॉर्मुलेशन कहां पर बनेगा? अब एक बात याद रखिए, जब हम स्टार्ट में एक बात पढ़ी थी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मुलेटिव। इस तरीके की रिसर्च में हाइपोथेसिस आपका टेस्ट हो ना हो, यहां पर सिर्फ हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है, बताया था ना। ऐसे में सिर्फ हाइपोथेसिस को बनाना कंपलसरी होता है, उसको उसकी वैलिडिटी प्रूव करना ना प्रूव करना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो आप एक सिर्फ अभी एक पायलट टेस्टिंग कर रहे हो, आप एक स्टार्टिंग की स्टडी कर रहे हो, इनिशियल स्टेज है, समझ रहे हो ना, इट इज जस्ट द इनिशियल स्टेज। ये आपकी क्या है? ये आपकी एक इनिशियल स्टेज है, फिजिबिलिटी स्टडी। यस, पेपर में एक बार क्वेश्चन भी आया था, फिजिबिलिटी स्टडी। किसकी बात की जा रही है? फिजिबिलिटी स्टडी की बात की। अब आता है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका कंसेप्ट किसके द्वारा गया था? आर ए फिशर के द्वारा इसका कंसेप्ट दिया गया था, प्रोफेसर आर ए फिशर। ठीक है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो आपने इसका नाम सुना होगा, रिग्रेशन और कोरिलेशन के साथ इसने इसका काफी नाम है वो जुड़ा हुआ है। उसने रेप्लीकेशन, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल के बारे में बात किया, जो हम एक्सपेरिमेंटल में पढ़ के आते हैं, पढ़ते हैं हम एक्सपेरिमेंटल में हम। अच्छा, रेप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इस बार आपको एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने पीडीएफ को पढ़ा है पीवाईक्यू की, एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी क्वेश्चन था ये। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को क्या बोला जाता है? रिपीटेबिलिटी आंसर करना है आपने, रिपीटेबिलिटी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिविटी बोला जाता है, या फिर रेप्लिकेशन बोला जाता है। पीडीएफ पीवाईक्यू की टेलीग्राम पे है ना बेटा, इट इज कॉल्ड रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन देखो, जब मैं रिपीट की बात कर रहा हूं तो सेम टीम सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करती है। यस, सेम टीम सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करती है। जब मैं रिप्रोडक्टिविटी की बात करता हूं तो डिफरेंट टीम होती है और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया जाता है। रेप्लिकेशन में सेम एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट टीम के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, तो ये होता है। अब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब आते हैं हमारे पास दो तरीके के एरर्स, एक होता है टाइप वन एरर और टाइप टू एरर। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो, अगर आपका हाइपोथेसिस राइट था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया आर आर, तो वो आपका टाइप वन एरर हो गया।
इसको आप अल्फा एरर का नाम भी दे देते हो। जब आपका हाइपोथेसिस राइट था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो अल्फा एरर हो गया, और जब आपका हाइपोथेसिस रॉन्ग था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, बीटा एरर। उसको क्या नाम दिया जाता है, बीटा एरर। क्लियर है? इसको अपनी कॉपी पे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे समझाता हूं। देखो, जब टाइप वन एरर होता है उसको आप अल्फा एरर भी बोल देते हो, और वन माइनस अल्फा को आप कॉन्फिडेंस लेवल बोल देते हो। याद रखिए, जो टाइप वन एरर है, इस साइड पे लिख देता हूं, टाइप वन को क्या था, राइट था, रिजेक्ट कर दिया, इसको बोला जाता है अल्फा एरर। और वन माइनस अल्फा क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि सही डिसीजन होगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और वहीं पर जो टाइप टू एरर है उसको रॉन्ग था और रिजेक्ट कर एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको आप बीटा एरर बोल देते हो। और वन माइनस बीटा क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट। आपके बेटे को पावर की जरूरत है, याद रखिए, ऐसे करके याद रखो कि आपके बेटे को पावर की जरूरत है, तो वन माइनस बीटा इज द पावर ऑफ टेस्ट। याद रहेगा, इससे इनडेप्थ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? आपके पेपर वन में इतना इनडेप्थ नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपने उसी का आंसर करना। बात समझ में आ गई? आप और इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टाइप वन टाइप टू के नाम, और वन माइनस अल्फा इज द कॉन्फिडेंस, और वन माइनस बीटा इज द। अब जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो उस टाइम पे टोटल वैल्यू 100% होती है। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस चीज को दिमाग में बिठाना। जब मैं बात करता हूं कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस सही होने का होता है या गलत होने का? मैं किसी से पूछूं कि तुम पेपर में पास होगे, इसका कॉन्फिडेंस है या फेल होने का? तो ऑब्वियसली आप ऐसा बोलोगे ना कि सर मुझे कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि करेक्ट होने का। जब हमें ये पता होता है कि हमारा जो डिसीजन है वो सही होगा, हमारा जो डिसीजन है वो करेक्ट होगा, डब्ल्यू ए में ए का मतलब है बेटा एक्सेप्ट होना, कि मेरा जो वो एक्सेप्ट होगा, तो उसको हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोल देते हैं। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि हमारा डिसीजन क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। इन दोनों को मिला के जो वैल्यू आती है वो 100% होती है। दिमाग में इस बात को रखना, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो टोटल 100% होगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपने ये माना कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 99% है, तो आपको क्या लगता है कि 99% चांस है मेरे डिसीजन के सही होने के। बात समझ आई? कितने परसेंट चांसेस है, 99% चांस है कि ये जो मेरा डिसीजन है वो सही होगा। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, ये अपने आप 1% हो जाएगा। या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 1% है, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपने आप कितना हो जाएगा, 99% हो जाएगा। या अगर मैं आपको इस तरीके से बोल दूं कि मैं बोलता हूं कि मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95% है, तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, 5%। तो हम दो ही कंडीशंस लेके चलते हैं, 1% और 5%। अब आप बोलोगे कि सर इस 1% और 5% को लेने का क्या मतलब है। देखिए,
जब भी आप रिसर्च करते हो, जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो, तो एक बात याद रखिए, आप कभी भी डेड श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप डेड श्योर ही हो गए तो फिर तो रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। रिसर्च में श्योरिटी कुछ नहीं होती, समझ रहे हो ना? रिसर्च में श्योरिटी कुछ नहीं होती कि आपकी रिसर्च ये ऐसे ही चलेगी, 100 इधर उधर की चीजें बीच में आ जाती हैं। तो इस वजह से हम हमेशा इतने परसेंट एरर्स के चांस लेके चलते हैं कि 1% एरर हो सकता है और 5% एरर हो सकता है, क्योंकि अगर आपने पहले ही 100% कॉन्फिडेंस मान लिया तो भाई फिर तुम्हारी रिसर्च का क्या मतलब रह गया? है ना, फिर तो तुम्हारी रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर आपने स्टार्टिंग में मान लिया कि भाई 100%, वो तो 22 ही हो गई ना, वो तो 22 ही हो गई। जैसे क्लास है, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से एक है, एक लड़की है जो हर बार फर्स्ट आती है, अच्छी पढ़ाई करती है बाकी बच्चों से, और आपको बोल दिया गया कि आपने स्टडी करनी है और देखना है कि रिजल्ट क्या आएगा। अब आप क्या करोगे? आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 95% चांस है कि यही लड़की फर्स्ट आएगी, लेकिन 5% पॉसिबिलिटी भी तो रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि इस बार कोई और आगे चले, छुपा रुस्तम भी तो होते हैं ना, कई बार शौक भी लगता है ना, कई बार टॉपर्स के लिए झटके भी होते हैं, होते हैं या नहीं होते? मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत बार देखे हैं, कुछ कई बार होता है कोई नया बच्चा आता है क्लास में, है ना, जैसे होता है ना बेसिकली, कब 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 नए स्टूडेंट आते हैं, 6th में आते हैं, 9th में आते हैं, या 11th में आते हैं, या बीकॉम में आते हैं ना, इसी तरीके से होते हैं। स्कूल में इन सारी चीजों से ज्यादा झटका होता था, है ना, स्कूल में ये चीजें ज्यादा थोड़ी परेशान करती थी ना, कॉलेज में आके तो फिर भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, लेकिन जब हम स्कूल में होते थे ना तब ऐसा बहुत होता था कि टॉपर है, इतने नंबर लेने हैं, उतने नंबर लेने हैं ना। तो कुछ होते हैं जो छुपा रुस्तम होते हैं, जो बिना सोचे समझे, बिना कुछ बोले ही झटका देके निकल लेते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो, टाइप 1 और टाइप 2 एरर मैंने आपको वैसे तो पढ़ा दिया। देखो ये दोनों ही फॉल्स होते हैं। टाइप 1 हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब शुरुआत हमने पॉजिटिव करनी है, और ये टाइप 2 है, नेगेटिव हो गया। देखो द टाइप 1 एरर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस विच आउट टू बी एक्सेप्टेड, मतलब ये राइट था इस वजह से ये पॉजिटिव था, ये रॉन्ग था इस वजह से ये नेगेटिव था, तो रॉन्ग था उसको रिजेक्ट करना था बट उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। इट इज इनकोरेक्ट रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस ट्रूथ था बट उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, और इट इज इनकोरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ फॉल्स, इट इज अ फॉल्स इट इज अ मिथ। इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बताया था ना, इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, और इसमें पावर ऑफ टेस्ट, जो मैंने 1 माइनस अल्फा पावर ऑफ सिग्निफिकेंस, 1 माइनस बीटा पावर, सॉरी 1 माइनस अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सॉरी कॉन्फिडेंस। इसमें ना एक चीज और निकलो, यहां पे मैं लिखनी भूल गया था, इसी को सिग्निफिकेंस लेवल भी बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है जी। टाइप 1 एरर को सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, और 1 माइनस अल्फा को लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोल देते हैं। मैं ऐसा करता हूं, अगले स्लाइड पे लिख देता हूं ताकि आपको ना याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। जो टाइप 1 एरर है ये रॉन्ग था बट क्या कर दिया, सॉरी राइट था बट रिजेक्ट कर दिया, राइट था बट रिजेक्ट कर दिया। तो टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव बोल देते हैं, पॉजिटिव फॉल्स तो दोनों ही होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव बोल देते हैं, और इसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला जाता है, क्योंकि सिग्निफिकेंस का मतलब कितने परसेंट चांस है गलती होने के,
और इसको आप डिनोट कैसे करते हो? ए से, दैट इज अल्फा एरर। हाँ, बट वन माइनस अल्फा। अब मेरे को एक बात बताओ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अगर एक में से माइनस किया, तो अगर वो 5 है तो एक में से माइनस किया तो 0.95 आ गया, मतलब 1 माइनस अल्फा इज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसको क्या नाम दिया जाएगा? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या नाम दे रहे हो बेटा अब उसको? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्लियर है? एक सेकंड, और इसके ऑपोजिट आएगा आपका टाइप टू एरर। टाइप टू एरर क्या था? रॉन्ग था बट एक्सेप्ट कर लिया। तो फॉल्स, फॉल्स तो पहले ही था, नेगेटिव हो गया। बीटा एरर। अब इस एरर का कोई दूसरा नाम नहीं होता बट 1 माइनस बीटा पावर ऑफ टेस्ट होता है, मतलब ऑपोजिट। 1 माइनस बीटा पावर ऑफ टेस्ट हो जाएगा। 1 माइनस बीटा क्या हो जाएगा? पावर ऑफ टेस्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? अब तो याद रहेगा ना बेटा, पावर ऑफ फिट जो होता है ना, वो काइस के टेस्ट के लिए होता है। इस बार ना आपको पेपर से पहले मैं एक क्लास छोटी सी लूंगा, उसमें सारे टेस्ट की सिर्फ बेसिक चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बार आपको ना 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं पैरामीट्रिक टेस्ट से, नॉन पैरामीट्रिक, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। तो आपको बहुत इनडेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा, हर किसी की अजम्पशंस और वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं वो आपको पेपर से पहले मैं एक क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि मैंने इस बार चेक किया 4-5 क्वेश्चन है ना, वो यही क्रूसल वॉलिस टेस्ट है, रिग्रेशन टेस्ट है, काई स्केर टेस्ट है, जेड स्कोर है, इनसे पूछे गए हैं। तो हम इसको एक बार पढ़ लेंगे, फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है, आने वाली क्लास से पहले। चलिए, अ कंक्लूजन इज ड्रॉन दैट नल हाइपोथिस इज फॉल्स, इनफैक्ट इट इज ट्रू, देयर फोर टाइप वन एरर आर जनरली कंसिडर मोर डेंजरस सीरियस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल एंड सेट बाय द एक्सपेरिमेंटर। तो टाइप वन एरर को क्या बोला जा रहा है? मोर डेंजरस बोला। क्योंकि वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का पार्ट बनता है। अब ये देखो, ये स्टेप्स हैं, ये आपको सीक्वेंस में पूछे जा सकते हैं। देखो, कम्युनिकेशन बेटा स्टार्ट होगा आपका फ्राइडे से, क्योंकि कल के बाद मैं 2 छुट्टी पे हूं, तो फ्राइडे और सैटरडे को आपकी कम्युनिकेशन की क्लास होगी, मतलब आज और कल क्लासेस होंगी आपकी, उसके बाद 2 दिन का आपका ऑफ है। यस, टाइप वन एरर इज मोर डेंजरस, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं? व्हाट आर द, स्टक हो गया क्या या चल रहा है? तो कल भी है ना रिसर्च की क्लास, फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपना एक नल हाइपोथेसिस बना लोगे और उसके साथ अल्टरनेटिव अपने आप ही बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू अ गिवन प्रॉब्लम एच जीरो रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ सम पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन, सिंपल। उसके बाद आप एक टेस्ट
सोचोगे कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, उसके हिसाब से आपने वैल्यू को सेट करना है, 1% या 5%, क्रिटिकल रीजन वैल्यूज, और मतलब ये आपको आपके लिए पेपर वन के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर मैं सिर्फ आपको एक चीज बता देता हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, और तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये मैंने आपको सिग्निफिकेंस लेवल बता दिया, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये वाला है। याद रखिए, आपकी ना जो स्टैटिस्टिक्स की बुक्स होती हैं या रिसर्च की बुक्स होती हैं ना, उसके बिल्कुल एंड पेजेस में कुछ टेबल वैल्यूज दी होती हैं, अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप स्टैट पढ़े हो, ठीक है, मतलब आर्ट्स में तो शायद मुझे नहीं पता कि होता है या नहीं होता, लेकिन अगर आप और किसी सब्जेक्ट में पढ़े हो तो आपको पता है कि एंड में ना टेबल होते हैं अलग अलग, टी टेस्ट के, एफ टेस्ट के, जेड टेस्ट के, तो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है बेटा, उसको उस वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है, इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है जो आप लोगों ने याद रखना है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रूल क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू, आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, वो कभी भी टेबल वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। आप ये मान के चलो कि जो टेबल वैल्यू है ना, वो बेंचमार्क वैल्यू है, ऐसा याद रखना, ठीक है जी, जो टेबल वैल्यू है वो बेंचमार्क वैल्यू है, तो आप बेंचमार्क से बाहर नहीं जा सकते। सिंपल, कि जो टेबल वैल्यू है बेटा, वो आपकी बेंचमार्क वैल्यू है, बेंचमार्क वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू, आप उससे बाहर नहीं जा सकते, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो आप जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई, सपोज करो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी, और यहां पर आप उसको किसके साथ कंपेयर करोगे, आप उसको टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे। सिंपल, एक वो वैल्यू जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, उस वैल्यू को आप किसके साथ कंपेयर करोगे, उस वैल्यू को आप टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि जो आपने कैलकुलेशन की वो टेबल वैल्यू से ज्यादा आ गई, दूसरी जो आपने कैलकुलेशन की वो टेबल वैल्यू से कम आ गई। तो आप इससे क्या कंक्लूड कर पाओगे, मैंने आपके सामने दो सिचुएशन रखी, आप क्या कंक्लूड कर रहे हो? कौन सी सिचुएशन रिजेक्ट होगी और कौन सी एक्सेप्ट होगी? जो फर्स्ट सिचुएशन है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ गई टेबल वैल्यू से, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टेबल वैल्यू तो हमारा स्टैंडर्ड है ना, टेबल से तो आगे बाहर जा ही नहीं सकते हम, टेबल से तो बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम टेबल से बाहर चले गए, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और वहीं पर जहां पर नीचे वाली सिचुएशन है, जो टेबल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है, तो इसको आप क्या कर दोगे, आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। बात समझ आया बेटा? उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। यहां से दो नंबर आपके कंफर्म है कि आपको आएंगे ही आएंगे। मैंने कल रिसर्च के वैसे ही खुद बैठ के सारे क्वेश्चंस हैं वो लगाए थे, तो मैंने देखा मतलब ऑलमोस्ट 10 के आसपास छोटे छोटे कंसेप्ट आए हैं, 10 न्यू कंसेप्ट जिसको आप बोल सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं, 10 न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब एक घंटे की क्लास में वो सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं बड़ी आसानी से आपको याद करवा सकता हूं, ठीक है जी, एक घंटे की क्लास है, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च से रिलेटेड जो नए आए हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, जो पेपर वन में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपको कवर करवाऊंगा। इस बार एक क्वेश्चन आया था आपका आइडेंटिटी थ्योरी पे, इवन के मैंने भी वो थ्योरी पहली बार ही पढ़ी थी, आइडेंटिटी थ्योरी, मे बी शायद आप में से कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो उसे पता होगा, आइडेंटिटी थ्योरी है जिसमें आइडेंटिटी डिफ्यूजन, मैंने इसके नोट्स बना लिए हैं वो मैं जल्दी ही आपको कवर करवाऊंगा, आइडेंटिटी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, आइडेंटिटी अचीवमेंट, ये चार सिचुएशन है, अचीवमेंट, आइडेंटिटी फोरक्लोजर,
ये ना एक मैट्रिक्स आता है ऐसे, इसको भी बेस बना के क्वेश्चन पूछा गया था, मोरेशियम। और चौथी टर्म होती है आइडेंटिटी मोरेशियम, ये वाला। अब ये इस बार पेपर में ऐड किया गया, मतलब नई थ्योरी आई है, तो हम इसको पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। चलिए एक मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा सब पढ़ेंगे यार, घबरा क्यों रहे हो? एथिक्स भी पढ़ेंगे, अभी मैक्स पैराडाइम पढ़ना है, घबराओ मत। मैं भाग थोड़ी गया, अभी मेरठ जाना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको पढ़ा के नहीं जाऊंगा। अरे मेरठ अलग है, आप अलग हो। लेकिन डरते डरते ही जाऊंगा ना मेरठ, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ही मैं मेरठ में एंटर होऊंगा ना, तो मेरे को सब बंदूकें, गोलियां, कट्टे यही नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे मेरे को लग रहा है, वो ना मैं बता रहा हूँ, यूपी के प्रति मेरी ना परसेप्शन, मतलब वैसे तो मुझे पता है बहुत अच्छा शहर है सब, मतलब पूरा यूपी बहुत अच्छा है, बट वो होता ना एक बिहाइंड द माइंड आपके दिमाग में एक परसेप्शन रहती है। वो देखा मिर्जापुर को देख के, जिस तरीके से मिर्जापुर को दिखाया गया है ना, वो चीज कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि अच्छा यार कहीं सच में ऐसा ना हो। वैसे तो देखो वो तो मुझे पता है ऐसा नहीं है, लेकिन हम मैं वही बोलता हूँ ना कि जैसी चीजें आप काफी सारी ऑब्जर्व कर लेते हो, आपके सामने रहता है कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो बिहाइंड द माइंड आपकी चीजें रहती है कि यार कहीं सचमुच ऐसा ना हो जाए, समझ रहे हो ना? मतलब होता नहीं है, बस आप एक बार थोड़ा सोचते हो उस चीज के बारे में, है ना? चलो, अरे मुझे पता है बहुत अच्छी है। और क्या, मैं कहीं वहां पे जाऊं और सामने जी त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं ना, बोले आईएएस ऐसे वाले पंकज त्रिपाठी जी, हरियाणा तो अच्छा है यार, हरियाणा तो बिल्कुल हमारे बगल में। हरियाणा तो गया था ना मैं पिछले साल, वो जो स्टूडेंट थी ना ज्योति, उसकी मैरिज पे गया। मुझे लगता है कि हाँ मैं ना खुद से पता नहीं घूम पाऊंगा या नहीं घूम पाऊंगा, मुझे ना स्टूडेंट्स की शादी में ही पूरा इंडिया घुमा देना इन्होंने। पहले मैं हरियाणा गया था, उससे पहले दिल्ली गया था, अभी मेरठ जाऊंगा। बिहार तो आना है, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब जगह पे जाना है मुझे, बंगाल। हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे बेटा, बिल्कुल जाएंगे। मुंबई, मुंबई मेरी आने की बहुत इच्छा है यार। मुंबई में एक बार ही आया हूँ, और वो भी मैं, मतलब मेरी कनेक्टेड फ्लाइट थी, मैं बेंगलोर गया था, तो मैं मुंबई वैसे नहीं गया, मैं मुंबई के बस एयरपोर्ट पे ही था। मतलब मैं चंडीगढ़ से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर, मेरी कनेक्टेड फ्लाइट थी, तो वैसे मैंने मुंबई नहीं घूमा है। मैंने सुना है अच्छा है मुंबई भी। अभी तो मेरठ मिलते हैं कुछ बच्चों से, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। नहीं मैं जहां भी आता हूँ ना, मैं बता के आता हूँ, तो बच्चे मिल लेते हैं, होता कुछ नहीं है। जैसे आप लोग एक्साइटेड होते हो ना, वैसे हमें भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ मिलना, है ना, कि यार यही वो बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ते हैं, है ना, तो अच्छा लगता है हमें भी जितना आपको अच्छा लगता है। चलो अब हम पढ़ते हैं पैराडाइम। अब इस बार सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पैराडाइम का कंसेप्ट था, प्लीज बातें बंद, बाकी हम बाद में बात करते हैं। पैराडाइम का कंसेप्ट दिया गया था कोहन के द्वारा, इसका पूरा नाम इस बार पेपर में पूछा गया था, दो नंबर का, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम। पैराडाइम का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? कोहन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था बेटा? कोहन के द्वारा दिया गया था। अ रिसर्च पैराडाइम, देखो बेसिकली पैराडाइम होता क्या है आप समझ रहे, इसमें ना वो चीजें आ जाएंगी, आपने टीचिंग में पढ़ा था ना फिलोसफी में, याद होगा आप लोगों को, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी पढ़ के आए ना टीचिंग फिलोसफी में, टीचिंग फिलोसफी में ये सारी चीजें पढ़ के आए ना, तो उन्हीं चीजों को बेस बना के हम यहां पर पढ़ेंगे, तो आपके लिए इसको थोड़ा समझना क्या हो जाएगा, और थोड़ा आसान हो जाएगा।
पैराडाइम का मतलब क्या होता है? पहले तो इस पैराडाइम वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए तो आपको समझने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो पैराडाइम का मतलब पता क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडाइम? पैराडाइम का मतलब होता है एक शेयर्ड बिलीफ समझ रहे हो। जैसे आप बोलते हो कि हाँ अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, 5-7 सौ हजार 2000 साल पहले की तरफ चले जाएं, तो पहले ये एक बिलीफ था कि जो सूरज है वो धरती के इर्द गिर्द घूमता है। यस और नो? सबसे पहले विज्ञानियों ने या उस टाइम पे लोगों ने इस चीज को सच माना था कि जो सूरज है ना हमारी धरती नहीं घूमती है, जो सूरज है ना वो धरती के अगल बगल में घूमता है। ऐसा था। तो जितने लोग इस चीज में विश्वास रख रहे थे तो वो एक इस तरीके के पैराडाइम को फॉलो कर रहे थे, वो इस पैराडाइम में को सच मानते थे कि अच्छा सच में दुनिया में सूरज हमारी धरती के इर्द गिर्द घूमता है। पहली बात तो ये। उसके बाद फिर हुआ पैराडाइम शिफ्ट, इसको वर्ड जो यूज किया जाता है ना उसको बोला जाता है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट कब हुआ? जब गैलीलियो ने ये बोला कि नहीं भाई सूरज नहीं घूमता धरती घूमती है। हालांकि उस टाइम पे उस चीज को माना नहीं गया था और उसकी वजह से आई थिंक गैलीलियो को फांसी की सजा भी दे दी गई थी, उसको मार दिया गया था। मतलब मेरे को इतना याद नहीं है, 9वीं 10वीं में मैंने पढ़ी थी बात, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या है। सिर्फ मैं बता रहा हूं कि इस पैराडाइम जब शिफ्ट हुआ तो गैलीलियो ने आके ये बोला कि भाई नहीं, धरती घूम रही है सूरज नहीं घूम रहा। लेकिन विद द टाइम उस चीज को भी क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है। तो दो अलग अलग पैराडाइम है, इसको मानने वाले लोग अलग अलग हैं। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक इस चीज को आगे फॉलो करने के लिए हम एक चीज का और इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या नाम दिया जाता है, फालसीफाइड। आप किसी थ्योरी को फालसीफाई क्यों बोलते हो? कि भाई किसी भी थ्योरी को डिसअप्रूव किया जा सकता है। एक चीज जो आज हमें सही लगती है आने वाले टाइम में वो रॉन्ग भी हो सकती है या नहीं हो सकती। एक चीज जो आज हमें लगता है कि ये सही है, हो सकता है कल आने वाले टाइम में वो गलत भी हो जाए। आने वाले टाइम में वो क्या हो जाए, वो गलत भी हो जाए। ठीक है जी। तो ये होता है पैराडाइम। तो ऑन्टोलॉजी का मतलब कि क्या रियलिटी है, एपिस्टीमोलॉजी उस रियलिटी को कैसे जाना जाएगा, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि हम उस अप्रोच कौन सी यूज करेंगे, मेथोडोलॉजी मेथड्स और सोर्सेस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर पैराडाइम का मीनिंग और जो एपिस्टीमोलॉजी ऑन्टोलॉजी वाला कंसेप्ट था और ये किसके द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, ये देखो। एपिस्टीमोलॉजी को ऐड कर दिया जाए, जो किसके साथ रिलेट करता है बेटा, एपिस्टीमोलॉजी रिलेट करता है किसके साथ, नॉलेज के साथ। ऑन्टोलॉजी किसके साथ रिलेट करता है, रियलिटी के साथ। और एक्सियोलॉजी आपका वैल्यू सिस्टम और एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ। इन तीनों को जब हम रिलेट कर देते हैं, ईओए को जब हम रिलेट कर देते हैं तो हमारे पास बिल्कुल सेंटर में जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं उसको क्या बोल देते हैं, उसी को हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का नाम दे देते हैं। उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी उसी का नाम दे दिया जाए। हाँ देखो आप समझने की कोशिश करो, ये किसका पार्ट है, ये फिलॉसफी का पार्ट है। और फिलॉसफी में चाहे फिर वो टीचिंग में पढ़ाया जाए चाहे रिसर्च में पढ़ाया जाए, उसका मीनिंग सेम रहता है, उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, फिलॉसफी थोड़ी ना चेंज होगी। अब मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ा दिया, एपिस्टीमोलॉजी। अब एपिस्टीमोलॉजी का मीनिंग क्या है, एपिस्टीमोलॉजी का मतलब क्या है कि भाई ये रिसर्च से रिलेटेड है, एपिस्टीमोलॉजी सॉरी नॉलेज से रिलेटेड है। तो जब चीज नॉलेज से रिलेटेड है फिर उसको चाहे मैं टीचिंग में पढ़ूं चाहे रिसर्च में पढ़ूं, कहीं पे भी पढ़ लूं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
ठीक है जी, क्लियर। अब पैराडाइम का कंपोनेंट क्या होता है? देखो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैराडाइम का कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? सर ऑन्टोलॉजी में नॉलेज लिखा है बेटा, रियलिटी लिखा हुआ, अजम्पशन अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज, समझ रहे हो ना? रियलिटी के बारे में जो आप अजम्पशंस बना लेते हो, एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है, नॉलेज की स्टडी अलग होती है, नॉलेज के बारे में बात करना अलग होता है, बीइंग रियल। देखो पैराडाइम के अजम्पशंस क्या होंगी, कुछ रूल्स होते हैं बस, जिसको कुछ लोग मान रहे होते हैं, समझ लो ना। जैसे अगर सो, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कहीं आप लोग एक चीज पढ़ के आए होंगे कि एक एक होते हैं क्लासिकल, एक आते हैं न्यू क्लासिकल और एक होते हैं मॉडर्न, पढ़ा होगा आपके सिलेबस में, आपने कहीं ना कहीं ये चीज जरूर पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्लासिकल अप्रोच होती है न्यू क्लासिकल। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है? क्लासिकल एक पैराडाइम ही तो है, न्यू क्लासिकल एक पैराडाइम का मतलब कुछ नहीं होता यार, एक शेयर्ड बिलीफ है जिसमें उस टाइम के लोग बिलीव कर रहे होते हैं, एक ही तरीके की सोच रखने वाले लोगों की जो थिंकिंग होती है वो मैच करती है, और वो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है भाई, चेंज होती रहती है। कल पैराडाइम का मीनिंग कुछ और था, मतलब कल अलग पैराडाइम था, आज अलग पैराडाइम हो रहा है। और इस पूरे टॉपिक को खत्म करने के लिए मैं आप लोगों को एक ही वर्ड बताऊंगा जिससे आपका पूरे का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपके पेपर में दो तरीके के पैराडाइम पूछे जाते हैं, एक होता है पॉजिटिविज्म और एक होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। मैं इसको ज्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको बहुत बार डिटेल में पढ़ा चुका हूं। एक होता है पॉजिटिविज्म और एक होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब ये क्या बोलता है, पॉजिटिविज्म का सीधा सा मतलब क्या है? साइंस। और इसका मतलब क्या है? सोशल साइंस, मतलब जहां पर हमारी ह्यूमन ऑब्जर्वेशन साथ में ऐड होगी, SCIENCE। ये है आप लोगों का क्वांटी। अब क्वांटिटेटिव के सारे फीचर्स इसके अंदर आ जाएंगे, और ये इसके अंदर कौन से फीचर्स आ जाएंगे? क्वालिटेटिव। अब अगर मैं इसको फिर से एक घंटा बैठ के पढ़ाऊं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, ये टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जब मैंने वर्ड लिख दिया पोस्ट पॉजिटिविज्म के साथ क्वालिटेटिव, तो आपको पता चल गया कि सर ये तो सारे ही क्वालिटेटिव के फीचर्स इसके अंदर आ गए, सारे ही क्वांटिटेटिव के फीचर इसके अंदर आ गए। तो ये क्वांटिटेटिव जो फिक्स्ड रहता है और ये फ्लेक्सिबल रहता है। और इसमें एक और चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो कौन सी चीज थी? ट्रेडिशनल तो इसमें आ जाएगा ना बेटा, पॉजिटिविज्म है, वो आ जाएगा डिडक्टिव। डिडक्टिव, और ये क्या हो जाएगा? इंडक्टिव। इससे आपका ये पूरे का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इतनी सी बात अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो ये पूरे का पूरा टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया, इसके बाद तो इसमें कुछ रह ही नहीं जाता, वही फिर तो जितना मर्जी पढ़ते रहो जो आप लोगों को पहले पढ़ाया गया है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का, अब ये इंटरप्रेटिविज्म कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका ह्यूमनिस्टिक, जिसमें जिसको पोस्ट पॉजिटिविज्म बोल दिया जाता है, समझ रहे? पोस्ट पॉजिटिविज्म, इसमें क्वालिटेटिव मेथड यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, इंडक्टिव होता है। क्लियर है जी? क्रिटिकल पैराडाइम हो गया, ये थोड़ा सा सोसाइटी से चला जाता है, ठीक है? इसका एक चार्ट भी पढ़ेंगे। क्रिटिकल पोस्ट पॉजिटिविज्म के बाद आया, याद है आप लोगों को फिलॉसफी में क्रिटिकल अप्रोच पढ़ाया था, जहां पर जस्टिस की बात हो रही थी, बताया था ना, जस्टिस के बारे में बात हो रही थी, इक्वालिटी के बारे में बात हो रही थी, पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही थी, तो ये उसके अंडर आ जाता है क्रिटिकल। तो तीन तरीके के पैराडाइम हो गए, एक पॉजिटिविज्म, एक पोस्ट पॉजिटिविज्म और एक क्रिटिकल। मतलब क्रिटिकल में तो सिर्फ आप वही बात करोगे ना, क्या सही है क्या गलत है सोसाइटी के बारे में, और हम सोसाइटी को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज दैट वी कैन यूज टू इंप्रूव द सोसाइटी, हम कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करके सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं।
वे ऑफ थिंकिंग है, पैराडाइम, कि जिस एक ही तरीके के लोग जब किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो पैराडाइम बन जाता है। ये देखो, पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म क्वालिटेटिव हो गया, पोस्ट मॉडर्न ये भी हो गया, और प्रागमेटिज्म। अब ये फिलोसफी के साथ आप रिलेट कर लेना जो हम पहले पढ़ के आए हैं, वहां पर कंस्ट्रक्टिविज्म भी पढ़ा है, वहां पर क्रिटिकल भी पढ़ा है, वहां पर प्रागमेटिक भी पढ़ा है, इन सारी चीजों को हमने वहां पर डिटेल में पढ़ा है। अब ये देखो, रिसर्च प्रोसेस के अगर हिसाब से आप चलते हो, तो जब मैं पॉजिटिविज्म की बात करता हूं तो उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज होगी बेटा, क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी यूज होगी। कौन सी यूज होगी, क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी यूज होगी। कौन सी अप्रोच यूज होती है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आप डिडक्टिव अप्रोच यूज कर रहे हो। कौन सा मेथड यूज करते हो, डिडक्टिव मेथड यूज करते हो, और इंटरप्रेटिविज्म जो आपकी क्वालिटेटिव हो जाएगी, जिसमें आप इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करोगे। इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करोगे। पॉजिटिविज्म ये वही है सेम, कॉस्मोलॉजी थियोलॉजी साइकोलॉजी इसमें तो कुछ काम की बात नहीं है, यही आता पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म के साथ जो सबसे फेमस नाम जुड़ा हुआ वो ऑगस्ट कॉम्टे, ये भी आपका इस बार मैथ्स का कॉलम में आया था, मैथ्स का कॉलम में, याद रखिएगा, मैथ्स का कॉलम में पीवाईक्यू में इस बार ये पूछा गया था। अच्छा, इस बार के जो पीवाईक्यू है ना, उसमें ना कुछ ऑथर्स वगैरह के नाम है, तो जब आप पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लोगे ना, तो आप एक पेज पे सारी थ्योरीज, जैसे उसमें ग्राउंडेड थ्योरी का भी लिखा हुआ है किसने दिया है पॉजिटिविज्म, मतलब तकरीबन आपको 12 से 16 लोगों के नाम और उनकी थ्योरीज रिसर्च के पीवाईक्यू से मिल जाएंगी। 12 से 16 लोगों के नाम और उनकी थ्योरीज आपको इस बार के पीवाईक्यू में से मिल जाएंगी, तो उसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में जाके आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है जी। क्योंकि देखो, जितना पीवाईक्यू का जितना ज्यादा फायदा ले सकते हो उतना लेने की कोशिश किया करो, क्योंकि पीवाईक्यू आपका सीधा रास्ता है जेआरएफ की तरफ, और इस बार तो पीवाईक्यू भी भर भर के आए हैं, इतने सारे पीवाईक्यू हैं कि आप बनाते थक जाओगे लेकिन वो खत्म नहीं होते। 1750 के करीब क्वेश्चंस हैं। अभी आपको कौन कौन सी फाइल दे दी है मैंने, टीचिंग एप्टीट्यूड दे दिया, रिसर्च एप्टीट्यूड दे दिया, आरसी दे दिया ना, तो आज अपन डीआई शेयर करते हैं, डीआई शेयर करते हैं, ठीक है, दो दो दिन के अंदर मैं आपको सारे भेज दूंगा। ऑगस्ट कॉम्टे को बोला जाता है जिन्होंने पॉजिटिविज्म के बारे में बोला, उन्होंने बोला कि जो रिसर्च है ना, अगर वो साइंस है, अगर जो हमारी रिसर्च है अगर वो साइंटिफिक है तभी वो रिसर्च है, समझ आया, अगर हमारी रिसर्च साइंटिफिक है ना तभी वो रिसर्च है, मतलब जो चीज साइंस है सिर्फ उसी को रियलिटी मानेंगे, साइंस के बिना इस दुनिया में कोई रियलिटी नहीं है, साइंस के बिना इस दुनिया में कोई रियलिटी नहीं है। जिस चीज को साइंस के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता उसको आप सच नहीं मानते। ये ना बिल्कुल उस तरीके से है, आप लोगों को याद होगा अपन पढ़े थे वो वाला, आइडियलिज्म रियलिज्म प्रैग्मेटिज्म पढ़ा था ना, जैसे आइडियलिज्म में क्या बोलते थे, आइडियलिज्म में क्या बोलते थे बताओ, कि भाई जो भी नॉलेज है वो आइडियाज के थ्रू आएगी, जो भी नॉलेज आएगी वो आइडियाज के थ्रू आएगी, आइडियाज कहां पे आएंगे, माइंड में, और माइंड में आइडियाज को कौन डालेगा, भगवान डालेगा। तो उसी चीज की बात की जा रही है, ये बोलते हैं कि जो चीज साइंस है उसके अलावा आप किसी चीज को भी नेगेटिव, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट्स रूल्स मेजरमेंट क्वांटिटेटिव चीजों पे फोकस किया गया, और जो ह्यूमन एस्पेक्ट है ना सोशल साइंस उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इसने बोला कि जो चीज साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सही है, जो चीज साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सही है वो सही है, और जो चीज साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है वो सही नहीं है, बात खत्म। जो चीज साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सही है सिर्फ उसी को सही मानेंगे, जो चीज साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है उसको हम
सही नहीं मानेंगे, वो चीज सही नहीं होती। अब ये जैसे देखो, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिविज्म क्या बोलता है? हिडन रूल्स गवर्न टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। रूल्स, सारा फोकस किस पे है हमारा? सारा फोकस हमारा रूल्स पे है। किस पे फोकस है? रूल्स पे। क्योंकि साइंस किस पे काम करती है? साइंस किस पे काम करती है बेटा? साइंस तो यूनिवर्सल रूल्स पे ही काम करती है ना। उसको साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि साइंस में आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसकी जो थ्योरीज होती हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है, समझ रहे हो ना। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई चीज रिलायबल है, कोई चीज वैलिड है, इसी वजह से वो ट्रू है। व्हाट वर्क्स, क्वेश्चन है कि क्या काम कर रहा है। और मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स को इस्तेमाल, कौन से मेथड्स को? क्वांटिटेटिव मेथड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और इंटरप्रेटिविज्म क्या बोल देगा? रियलिटी इज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल इन ग्रुप। जो रियलिटी है वो हम ही क्रिएट करते हैं ग्रुप में। ह्यूमन एस्पेक्ट आ गया ना, कौन सा एस्पेक्ट आ गया बेटा? ह्यूमन एस्पेक्ट आ गया। हमारी अपनी इंटरवेंशंस आ गई साइंस में। मीनिंग ऑफ इवेंट्स, अंडरलाइंग मीनिंग है ना, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। व्हाई डू एक्ट दिस वे, और ये क्वालिटेटिव आ जाएगा। क्रिटिकल में आप लोगों को पता ही है, जब पर सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है कि सोसाइटी में किस तरीके से चीजें क्या हो रखी है, सोसाइटी में किस तरीके से इनजस्टिस फैल रखा है, सोसाइटी में किस तरीके से चीजें हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो इस वजह से इस अनजस्टिस को अनकवर करने का और लोगों को एम्पावर करने का काम किया जाता है। मतलब हाउ आई कैन चेंज द सिचुएशन, आइडियोलॉजिकल रिव्यू। और प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है? कि भाई जो चीज सही है उसको उस तरीके से फॉलो कर लो। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है? प्रैग्मेटिज्म बोलता है कि मेरे लिए जो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब समझ रहे हो ना, जो चीज मेरे लिए सही है मैं उसको अप्लाई कर दूं। जो चीज मेरे लिए सही है, जो चीज मुझे लगता है कि अच्छा यार ये सही है, मैं उसको क्या कर दूंगा? मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। मैं उसको क्या कर दूंगा? मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। मैं उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाल लूंगा। ठीक है जी। इसको दिमाग में रखिएगा, ये जो चार्ट है ये काफी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आता पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म हम अब बात कर चुके हैं, एक्सपीरियंस और इंपीरिकल नॉलेज पे आते हैं। समझ रहे हो ना, थिंक ऑफ आइडिया, टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और उसके क्योंकि क्वांटिटेटिव में आप टेस्ट करते हो ना, क्वांटिटेटिव में आप क्या करते हो? आप टेस्ट करने की कोशिश करते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट दे देते हो। फैक्चुअल नॉलेज होती है, मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेबल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब वही यार क्वालिटेटिव के सारे फीचर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव के सारे फीचर्स आ जाएंगे। क्वांटिटेटिव जितने भी फीचर्स हैं क्वांटिटेटिव के, वो सब आ जाएंगे। और उसके बाद जब पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करें, समझ रहे हो ना, तो ये साइंस के अलावा किसी को नहीं मानता। ये एक ही बात पे फोकस करता है कि जो वैल्यू फ्री है, मतलब समझ रहे हो ना, अपना वैल्यूज अलग है। मतलब समझ रहे हो ना, मेरी वजह से अगर मैं किसी चीज को यूज कर रहा हूं तो मेरी वजह से साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। साइंस तो साइंस है जी, साइंस के जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, उन रूल्स को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। साइंस के जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, साइंस कोई कॉमन सेंस नहीं है। आप कॉमन सेंस से तो 10 चीजों को बोल सकते कि ये चीज ऐसे काम करेगी और ये चीज ऐसे काम करेगी, लेकिन साइंस अगर उस चीज को प्रूव नहीं कर रही तो आपकी उस बात को सच नहीं माना जाएगा, है ना। अगर साइंस उस चीज को सच नहीं मान रही तो आपकी भी उस बात को सच नहीं माना जाएगा। पॉजिटिविज्म के ड्रॉबैक कौन से होते हैं? ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज पे ही डिपेंड करती है। मतलब इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और वेरिएशन ऑफ एक्शन, इंडिविजुअल्स के एक्शंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती।
मेटाफिजिक्स को भी रिजेक्ट, कोई कुछ खास नहीं है, मतलब सिंपल साइंस के अलावा ये सबको क्या मानता है, फॉल्स मानता है। ये क्या बोलता है कि जो असली सच्चाई है वो साइंस ही है, साइंस के बिना तो मैं किसी चीज के बारे में सोचूंगा भी नहीं, मैं किसी चीज के बारे में जानूंगा भी नहीं, ओनली साइंस 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 साइंस, जो भी रूल्स है जो भी सब कुछ मेरा साइंस के बेसिस पे ही है। और वहीं पे पोस्ट पॉजिटिविज्म की जब आप बात करते हो तो वो थोड़ा सा अलग हो गया, उसमें जनरल प्रोपोजिशंस आ गई, उसमें साइंस के साथ सोशल एनालिसिस, मतलब ये किस पे फोकस हो गया, ये सोशल साइंस पे फोकस हो गया। ये किस पे फोकस हो गया बेटा, ये आपका मेन फोकस हो गया सोशल साइंस पे, मतलब सब्जेक्टिविटी पे फोकस हो गया। इसका फोकस किस पे हो गया, इसका फोकस हो गया सब्जेक्टिविटी पे, हम सब्जेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम सब्जेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम सब्जेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से सब्जेक्टिविटी को एनहांस किया जा सकता है अपने हिसाब से, हमें जो चीजें सही लगेंगी, मतलब साइंस के साथ वैल्यूज, बिल्कुल सही वर्ड, साइंस को या तो आप सोशल साइंस बोल दो या फिर साइंस के साथ आप किसको ऐड कर दो, आप ह्यूमन वैल्यूज को ऐड कर दो। साइंस के साथ आप किसको ऐड कर दो बेटा, ह्यूमन वैल्यूज को ऐड कर दो, कि ठीक है भाई साइंस तो है ही है, उसके साथ साथ जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उसको भी हम ऐड कर देंगे। अगर ह्यूमन वैल्यूज रहेंगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो ये देखो, अगर पॉजिटिविज्म में देखें तो रियलिटी क्या है, मटेरियल है, नोएबल और स्टेबल है, क्योंकि साइंस ने जो बोल दिया वो सच है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वहीं पर पोस्ट पॉजिटिविज्म कॉन्टिजेंट है, इंटरप्रेटिविज्म है और स्टेबल है, मतलब अनस्टेबल है, मतलब मेरे हिसाब से रियलिटी कुछ और होगी, आपके हिसाब से रियलिटी कुछ और होगी, फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ थ्योरी, ये वैल्यू फ्री होती है, समझ रहे हो ना, इसमें वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, दिस इज वैल्यू फ्री, ऑब्जेक्टिव होती है और ये इंटरप्रिटेशन होती है, मतलब हमेशा सब्जेक्टिव होगी, ये हमेशा सब्जेक्टिव होती है। और साइंस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का सबसे लास्ट लेवल कौन सा है, साइंस है, साइंस से बाहर कुछ भी नहीं है। और ये क्या बोलता है, नाजीना हर चीज का अलग अलग कंसेप्ट है, हम साइंस को हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, साइंस ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बोलो कि आप ईच एंड एवरी प्लेस पे, ईच एंड एवरी प्लेस पे आप साइंस को रिलेट एड करोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, उसको हम पॉसिबल नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये पढ़ लीजिएगा आप चार्ट, अल्टीमेटली उस टॉपिक में सिंपल, ठीक है ये हम पढ़ चुके हैं, इसको बाद में देख लीजिएगा। अल्टीमेटली घुमा फिरा के अगर इस टॉपिक को मैं एक लाइन में खत्म करूं तो क्या है, पॉजिटिविज्म इज क्वांटिटेटिव अप्रोच, और पोस्ट पॉजिटिविज्म इज क्वालिटेटिव अप्रोच, बस इतना ही, दैट्स इट। हाइपोथेसिस भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया, कल आपका एक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया एथिक्स, और उसके साथ छोटे छोटे दो तीन टॉपिक और है, रिपोर्ट वगैरह, वो हम कल पढ़ेंगे, कल इसको खत्म कर देंगे। और दो दिन के अंदर, ठीक है दो आपकी छुट्टी रहेंगी, तो मैंने उसके बारे में आपको कल इसी वजह से इन्फॉर्म कर दिया था कि आप अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर लो, ठीक है, क्योंकि वो दो दिन कोई भी क्लास नहीं होगी, तो आपके पास पूरा टाइम रहेगा सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक आपके पास पूरा टाइम रहेगा, तो आप उसमें जो भी आप पढ़ना चाहते हो, तब तक मैं आपको कोशिश करूंगा दो यूनिट्स के और एमसीक्यू दे जाऊंगा, ताकि अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो आप उन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेना। जो देखो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना, वो आप लोगों को मैराथन वगैरह के थ्रू कवर करवाए जाएंगे, समझ रहे हो ना, स्पेशल क्लास में या कहीं पे भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत पेंडिंग होगा वो आपका साथ ही साथ कवर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 161 क्वेश्चन थे, तो उसमें 10 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, तो जिनका सिलेबस कवर नहीं है तो वो जरूर से सिलेबस को कवर कीजिए। हाँ हाँ, दो दिन के अंदर आप सिलेबस से कवर कीजिएगा, दो दिन में आप सिलेबस को कवर कर लीजिएगा, उससे आपका फायदा हो जाएगा, आपको
आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें। स्पेशल क्लास होगी आज शाम को, स्पेशल क्लास लेंगे। आज स्पेशल है या नहीं है? नहीं आज तो नहीं है, कल होगी। आज ना पेपर टू की क्लास है 7 बजे, आज स्पेशल नहीं है, कल स्पेशल है। परसों चौथे छुट्टी है, तो मेरठ वालों मिलते हैं जल्दी ही, है ना। मेरठ का ब्लॉग डालेंगे, जितने प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है। वैसे मैं टेलीग्राम पे भी बता दूंगा आप लोगों को, मेरे से कांटेक्ट कर लेना आज और कल में, ताकि हम जहां पे भी कुछ ऐसा होता है तो हम मिल लेंगे, जो भी आस पड़ोस में रहते हैं। तो PYQ प्लस पे बेटा चल तो रही है ना शाम को सब 8 बजे की क्लास, उसमें आपको कवर करवा रहा हूं मैं, तो आप उसी सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करते रहिए, उसी से आपके PYQ सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।